जो फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं भिंडी की रेसिपी। तो सबसे पहले भिंडी को हम धो लेंगे। धोने के बाद उसके पानी को अच्छे से ड्राई कर लेंगे। तो भिंडी के बीज को उसमें चीरा लगा लेंगे। देखिए इस प्रकार से बीज को अच्छे से फाड़ लेंगे। सारे भिंडी को हमने इसी तरह से बीज को कट कर लिया है। उसके बाद एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई गैस ऑन करेंगे। गैस ऑन करने के बाद इसमें ऑयल डालेंगे। घी इसको अच्छे से हीट होने देंगे भी तेल को। देखिए इस प्रकार से हमने काट रखा है सारे भिंडी को। अब इसको एक एक करके भिंडी को तेल में डालेंगे। ये देखिए इस प्रकार से हमारा भिंडी तलना स्टार्ट हो चुका है। देखिए हमारा भिंडी ब्राउन होने लगा है। देखिए इस प्रकार से, देखिए कितना मस्त भिंडी ब्राउन हो चुका है। मीडियम फ्लेम पे इसे भून लेते हैं। देखिए हमारा भिंडी ब्राउन हो चुका है। सारे भिंडी को निकाल लेते हैं। इसी प्रकार से और डालेंगे। देखिए हमारा भिंडी कितना मस्त देखने में लग रहा है। इसे हमने तल लिया। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे, हाई करने पे जल जाएगा। तो हमने एक बारी कटा हुआ प्याज डालेंगे, कटी हुई मेथी और दो तीन हरी धनिया डालेंगे। अब इसे भी अच्छे से ब्राउन होते तक भून लेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए इस प्रकार से हमने भून लिया है। अब इसमें हमने कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर को चम्मच चलाते हुए अच्छे से इसे भी लो टू मीडियम फ्लेम पे भून लेते हैं। दो तीन मिनट के लिए ढक देते हैं। ये देखिए दो तीन मिनट हो चुका है, हमारा टमाटर अच्छे से पक चुका है। चम्मच चला के अच्छे से और मिक्स कर लेते हैं। इसमें अपने स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लेते हैं और भी मिक्स कर लेते हैं नमक को। ये देखिए इस प्रकार से कितना मस्त हमारा टमाटर पक चुका है। हाफ टी स्पून हल्दी डालेंगे, हाफ टी स्पून मिर्च पाउडर और हाफ टी स्पून धनिया पाउडर। अब तीनों को अच्छे से मिक्स करके एक मिनट के लिए इसे भी मीडियम फ्लेम पे भून लेते हैं। देखिए कितना मस्त हमारा टमाटर पक चुका है। हल्का से इसमें पानी ऐड करेंगे और इसे एक मिनट के लिए अच्छे से पका लेते हैं। उसके बाद हमने जो भिंडी को तल रखा था, तल कर बाहर निकाल रखे थे, उसे इसमें ऐड कर देते हैं। अब उसे अच्छे से सब तरफ मिक्स होने तक चम्मच चला लेते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए इस प्रकार से हमारा भिंडी में अच्छे से टमाटर मिक्स हो चुका है। अब इसे एक दो मिनट के लिए और पका लेते हैं ढककर। ये देखिए इस प्रकार से हमारा भिंडी भून चुका है। अब उसमें हमने बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती डालेंगे। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए कितना मस्त हमारा भिंडी बनकर तैयार हो चुका है। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब।